द्वितीय विश्व युद्ध के तीन प्रमुख मोर्चे थे। यदि प्रशांत क्षेत्र में जापान धुरी शक्ति था तो ये जर्मनी था जिसने यूरोप के पूर्व और पश्चिमी मोर्चे खोले। तीसरा युद्ध मोर्चा भूमध्य सागरीय और उत्तरी अफ्रीका में था। इटली ने यहां मामलों को नियंत्रित किया। इस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य बनाने की इतालवी तानाशाह मुसोलिनी की महत्वाकांक्षा युद्ध का प्रमुख कारण थी। ये वीडियो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भूमध्य सागर में हुई सबसे लंबी लड़ाई के बारे में है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस क्षेत्र के सामरिक महत्व और जर्मनी के प्रसिद्ध जनरल अर्विन रोमेल के फुर्तीले सैनिक चाल देख सकते हैं। बैटल ऑफ द मेडिटेरेनियन एंड नॉर्थ अफ्रीका, भूमध्य सागरीय और उत्तरी अफ्रीका की लड़ाई। बेनिटो मुसोलिनी 1922 से इटली के प्रधानमंत्री थे। वे राष्ट्रीय फासीवादी पार्टी के संस्थापक भी थे और उन्होंने एक पूर्ण तानाशाह के रूप में इटली पर शासन किया। मुसोलिनी का सपना था कि इटली को पुराने रोमन साम्राज्य के गौरव तक ले जाया जाए और खुद को सीजर का ताज पहनाया जाए। इसके लिए उन्होंने गणना की कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देशों को जीतना आवश्यक है, जिन्हें वे अपना किला मानते थे। 1913 में इटली ने लीबिया को अपना उपनिवेश बना लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से कुछ साल पहले मुसोलिनी ने एबिसिनियन क्षेत्र और अल्बानिया पर कब्जा कर लिया, लेकिन मजबूत प्रतिरोध के कारण इटली को इन आक्रमणों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। आर्थिक और सैन्य रूप से इतालवी सेना एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मुसोलिनी अपने शाही सपनों को छोड़ने को तैयार नहीं था। 1930 के दशक के अंत तक जर्मनी एक एक करके यूरोपीय देशों पर कब्जा कर रहा था। मुसोलिनी, जिसने फ्रांस पर, जो यूरोप में एक प्रमुख शक्ति था, जर्मनी की जीत देखी, गणना की कि अगर वह जर्मन पक्ष में शामिल हो जाता है तो उसे बहुत ही लाभ होगा। उन्होंने तब ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। मुसोलिनी ने आकलन किया कि भूमध्य सागरीय विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती ब्रिटेन से ही हो सकती है। उस समय ब्रिटेन ने भूमध्य सागर से हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के प्रवेश द्वारों को नियंत्रित किया था। नतीजतन ब्रिटेन के पास तेल समृद्ध खाड़ी और एशिया में सभी उपनिवेशों के लिए शिपिंग की आसान पहुंच थी। इसके अलावा माल्टा का छोटा द्वीप, जो इटली के ठीक बगल में था, एक ब्रिटिश आधार भी था। मुसोलिनी मिस्र और सूडान पर कब्जा करना चाहता था, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश थे। लीबिया और एबिसिनिया के बीच इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के साथ इटली उत्तरी अफ्रीका में एक बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है और एक अजेय शक्ति बन सकता है। इसके अलावा मुसोलिनी ने गणना की कि मिस्र में रणनीतिक सुएज कनाल के कब्जे के साथ ब्रिटेन की ओर तेल सहित माल का परिवहन अवरुद्ध किया जा सकता है। इटली ने महसूस किया कि उत्तरी अफ्रीका में उसके उद्देश्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भूमध्य सागर में ब्रिटिश उपस्थिति समाप्त कर दी जाए। लेकिन उस समय जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की तरह इटली कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। वे सैन्य, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य यूरोपीय शक्तियों से बहुत पीछे थे। मुसोलिनी ने इतालवी सैन्य नेतृत्व की सलाह नहीं मानी कि वे ब्रिटेन के साथ एक बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। मुसोलिनी का आदेश किसी भी तरह से सैन्य अभियान शुरू करने का था। पहला उद्देश्य माल्टा पर आक्रमण करना और उसे अपने अधीन करना था। जून 1940 में इटली ने माल्टा पर बमबारी शुरू की। ये बमबारी 2 सप्ताह तक चली क्योंकि द्वीप पर इतालवी हमले से बचाव के लिए पर्याप्त लड़ाके नहीं थे। भारी हताहत होने के बावजूद माल्टीज लोग आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। ब्रिटेन द्वारा भेजे गए लड़ाकों के आगमन के साथ ही इटालवी बमबारी समाप्त हुई। इस बीच इटली ने मिस्र में ब्रिटिश सेना पर भी हमला किया। मुसोलिनी का मानना था कि उनकी जीत इसलिए आसान होगी कि उनके पास इस क्षेत्र में ब्रिटेन की तुलना में 10 गुना अधिक सैनिक थे। सितंबर 1940 में इटली ने ब्रिटिश सेना से भूमध्य सागर के तट पर सिद्दी बर्नी के छोटे से शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना की भारतीय रेजिमेंट समेत और भी सैनिक वहां पहुंच चुके थे। ब्रिटेन ने बहुत जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए उनकी सभी आशाओं को चकनाचूर कर दिया। ब्रिटेन ने 40,000 से अधिक इतालवी सैनिकों को कैद किया, बाकी लीबियाई सीमा पर पीछे हट गए। लेकिन उनका पीछा करते हुए ब्रिटिश सेना ने बिना रुके लीबिया में प्रवेश किया और अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने इतालवी सेना को मिस्र की सीमा से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर अल अहेलिया के लीबियाई शहर तक पीछे धकेल दिया।
100,000 से अधिक इतालवी सैनिकों ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने लीबिया के आधे से अधिक क्षेत्र को खो दिया। इतालवी सेना की दुर्दशा को समझते हुए ब्रिटेन ने मौके का उपयोग किया और एबिसिनिया पर आक्रमण किया, लेकिन इन क्षेत्रों के माध्यम से आगे बढ़ना लीबिया और मिस्र की तुलना में काफी कठिन था। एक साल के लंबे युद्ध के बाद इतालवी सेना ने वहां भी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मिस्र पर आक्रमण करने के साथ साथ इटली ने यूनान पर भी आक्रमण किया। इटली की तुलना में कम सैनिक होने के बावजूद ग्रीस ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। ग्रीक सेना के प्रतिकर्षण ने इटली को न केवल ग्रीस से बल्कि अल्बानिया के पहले से ही अधिग्रहित क्षेत्रों से भी हटने के लिए मजबूर किया। ये सारे हार मुसोलिनी के स्वाभिमान के लिए एक बड़ा आघात थे। ऐसा लग रहा था कि हाथ में जो पक्षी था वो फिसल गया हो और झाड़ी की चिड़िया उड़ गई हो। मुसोलिनी का ये अंधविश्वास कि युद्ध में सैनिकों की ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी वहीं टूट गया। नए हथियारों और बेहतर प्रशिक्षण से लैस ब्रिटिश सैनिकों ने इतालवी सेनाओं को आसानी से हरा दिया, जिनकी संख्या उनकी संख्या से अधिक थी। इतालवी सेना की दुर्दशा को महसूस करते हुए जर्मनों ने अपने सहयोगी की मदद करने का फैसला किया। जर्मनी ने तब अपने कुछ सैन्य डिवीजनों को दोस्ती के इशारे के रूप में ग्रीस और लीबिया में भेजा। ग्रीस संयुक्त जर्मन इतालवी सेना के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं था। ब्रिटेन ने ग्रीस की मदद के लिए लीबिया में इटली को हराने वाली सेना की टुकड़ी भेजी, लेकिन वे जर्मन हमले से पहले जैसा नहीं कर सके। अप्रैल 1940 तक भूमध्य सागर का उत्तरी भाग अक्ष शक्तियों के हाथों में था और दक्षिणी भाग मित्र देशों की शक्तियों के हाथों में था। इस स्थिति को अपने लाभ के रूप में बदलने के लिए हिटलर ने अपने भरोसेमंद जनरल इरविन रोमेल को 65,000 आदमियों की फौज के साथ खुद लीबिया भेजा। रोमेल को उत्तरी अफ्रीका को अपने नियंत्रण में लाने के साथ साथ इतालवी सेना का समर्थन करने का निर्देश दिया गया था। रोमेल जर्मन पेंजर डिवीजन के जनरलों में से एक थे जिन्होंने केवल 2 सप्ताह में फ्रांस पर विजय प्राप्त की थी। फुर्तीली सैन्य युद्ध अभ्यास रोमेल की एकमात्र विशेषता नहीं थी। तथ्य ये है कि उसने सेना की अग्रिम पंक्तियों से लड़ाई लड़ी, इसने उसे अन्य जनरलों से अलग कर दिया। रोमेल की उपस्थिति ने न केवल सैनिकों में विश्वास जगाया बल्कि उन्हें कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में भी सक्षम बनाया। रोमेल के नेतृत्व में जर्मन इतालवी सेना ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक मजबूत पलटवार शुरू किया। उन्होंने विशाल लीबिया के रेगिस्तान से पेंजर टैंकों के साथ ब्रिटिश सेना को बाहर निकालने की रणनीति अपनाई। जर्मन टैंकों से घिरी ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करना या आत्मसमर्पण करने से पहले वापस लौटना एकमात्र विकल्प था। ये स्वीकार करते हुए कि रोमेल में एक चलाक लोमड़ी की चपलता थी, ब्रिटेन ने शरारत से उसे डेजर्ट फॉक्स करार दिया। केवल 1 सप्ताह के ऑपरेशन के बाद जर्मन इतालवी सेना ने लीबिया की सीमा तक ब्रिटेन का पीछा किया, लेकिन ब्रिटेन ने भयंकर हमले किए। बाद में ये टैंकों के साथ कुत्तों की लड़ाई जैसी थी। हालांकि ब्रिटेन ने और टैंक खो दिए, लेकिन अंग्रेज जानते थे कि रोमेल की सेना को कम आपूर्ति की गई थी। अंग्रेजों ने सोचा कि वे निहत्ते अक्ष बलों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन रोमेल की सेना ने उनकी गणना पूरी तरह से गलत करते हुए एक सामरिक वापसी की। अंग्रेजों ने गणना की कि वे पीछे हटने वाली दुश्मन ताकतों का पीछा कर सकते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद मित्र देशों की सेना ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरह से अप्रत्याशित रूप से रोमेल की सेना ने ब्रिटिश सेना पर जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। रोमेल तेजी से आगे बढ़े, मित्र देशों की सेना का सफाया कर दिया जो हमले से क्रोधित थे। वो टोब्रुक शहर के आसपास के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम थे। ब्रिटिश सेना ने वहां बारूदी सुरंगों सहित विशाल रक्षा प्रणाली तैयार की थी। ये महसूस करते हुए रोमेल ने वहां भी ब्रिटिश सेना को पछाड़ दिया, लेकिन इस बार ब्रिटिश सेना ने इस तरह के हमले के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उन्होंने जर्मन सेना पर भारी हमला किया। ये लड़ाई 3 सप्ताह तक चली। ब्रिटिश सेना को भी बिना किसी परिवर्तन के पीछे हटना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश सेना को मिस्र के तटीय शहर अल अलामीन में तैनात किया गया। क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के कारण रोमेल मित्र देशों की सेना को पकड़ने में सक्षम नहीं था। कटारा डिप्रेशन के रूप में जाने जाने वाला एक दलदली क्षेत्र था, जिससे टैंकों की आवाजाही लगभग असंभव हो गई थी। नतीजतन वहां तैनात ब्रिटिश सेना को जवाबी हमले की योजना बनाने का समय मिल गया था।
दोनों तरफ के टैंक और तोपखाने एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन जर्मन इतालवी सेना तब तक मिश्र की ओर बहुत आगे बढ़ चुकी थी और पर्याप्त आपूर्ति नहीं की गई थी। रोमेल ने महसूस किया कि अगर उन्हें पर्याप्त ईंधन, गोला बारूद और भोजन नहीं मिला तो इसके कारण वो फिर से संकट में पड़ जाएगा। इसका समाधान भूमध्य सागर में आपूर्ति लाना था। ये मित्र देशों की सेनाओं को भी अच्छी तरह से पता था। नतीजतन दोनों पक्षों की रणनीति भूमध्य सागर के माध्यम से दुश्मन के नौवहन को रोकना था। यहां तक कि जब उत्तरी अफ्रीका में टैंक युद्ध जारी थे, भूमध्य सागर की सर्वोच्चता के लिए दो समूहों के बीच भारी संघर्ष चल रहा था। इटली की सेना और वायु सेना अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन उनके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इटली द्वारा माल्टा पर बमबारी के बाद ब्रिटेन पूर्व खाली हड़ताल के साथ इतालवी सेना के खतरे को खत्म करने के लिए दृढ़ था। फिर उन्होंने इटली के युद्धपोतों पर टारपीडो की एक श्रृंखला शुरू की। एक आश्चर्यजनक ब्रिटिश हमले में इटली के बंदरगाह में कई युद्धपोत नष्ट हो गए। जापानी नौसेना ने इस ब्रिटिश ऑपरेशन के बारे में सीखा और बाद में पर्ल हार्बर में उसी रणनीति को इस्तेमाल किया। ब्रिटेन के आक्रमण के बाद जर्मनी ने महसूस किया कि इटली भूमध्य सागर में अपना आधिपत्य बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। उन्हें डर था कि अगर चीजें इसी तरह से चलती गईं तो उत्तरी अफ्रीका में उनकी आपूर्ति लाइन काट दी जाएगी। भूमध्य सागर में सभी मित्र देशों की सेनाएं माल्टा के आसपास केंद्रित थीं। चर्चिल ने इस द्वीप को एक ऐसा विमानवाहक पोत बताया जो कभी नहीं डूबता। इरविन रोमेल और जर्मनी अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने माल्टा पर कब्जा नहीं किया तो वे उत्तरी अफ्रीका पर नियंत्रण खो देंगे। इसलिए जर्मनी ने गणना की कि माल्टा पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहिए। फिर जर्मनी ने माल्टा पर बमबारी की जो कई महीनों तक चली। फिर भी लोगों ने सरेंडर नहीं किया। जर्मनी की अगली रणनीति आवश्यक सामानों के साथ माल्टा के लिए बाध्य मालवाहक जहाजों को नष्ट करना था। जर्मन विमानों की बमबारी से कई आपूर्ति जहाज नष्ट हो गए। हालांकि द्वीप के लोग भूखमरी के कागार पर थे, लेकिन वे आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। लेकिन ब्रिटेन को आशंका थी कि माल्टा के लोग भूखे रहने पर आत्मसमर्पण कर देंगे और इस तरह अपनी रणनीतिक स्थिति खो सकते हैं। माल्टा को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक आपूर्ति में सहायता के लिए ब्रिटेन ने 14 मालवाहक जहाजों और कई युद्धपोतों को भेजा। जर्मनी ने भी इन पर आक्रमण किया। हालांकि कई ब्रिटिश युद्धपोत और मालवाहक जहाजों को नष्ट कर दिया गया था, 5 जहाज आपूर्ति के साथ माल्टा पहुंचे और वे थोड़े समय के लिए दुश्मनों को दूर रखने में सक्षम रहे। अल अलामीन में तैनात रोमेल की सेना को पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिली, क्योंकि भूमध्य सागर पहले से ही मित्र देशों के नियंत्रण में था। रोमेल के सामने दो ही रास्ते थे, या तो एक बार फिर से पीछे हटे या अपनी पूरी ताकत से काहिरा पर कब्जा करने का एक अंतिम प्रयास करे। रोमेल का फैसला आगे बढ़ने का था, लेकिन चूंकि टैंक कटारा अवसाद के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते थे, तब तक की गई रणनीति वहां काम नहीं कर सकती थी। इसलिए योजना अल अलामीन के दक्षिण पूर्व में अवसाद के साथ ब्रिटिश सेना को पछाड़ने की थी। रोमेल ने टैंक और पैदल सेना सहित जर्मन इतालवी सेना से हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की व्यवस्था की। इस बीच ब्रिटेन ने जर्मन सैन्य संदेशों को भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एनिग्मा कोड को डिकोड कर लिया था। इससे ब्रिटेन को पता चल गया था कि रोमेल हमले की तैयारी कर रहा है और उन्होंने परियोजना के विवरण को भी समझा। इसके आधार पर ब्रिटेन ने जाल बिछाया और जर्मन इतालवी सेना का इंतजार करने लगा। रोमेल ने लगभग 500 टैंक और लगभग 1,00,000 सैनिक तैयार किए, जबकि मित्र देशों की सेना ने अधिक टैंक और सैनिक तैयार किए। इसके अलावा उन्होंने वायु सेना को तैयार रखा। अक्टूबर 1942 में मित्र देशों की सेनाओं ने रोमेल की सेनाओं पर एक बड़े पैमाने पर हमला किया, जो उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मित्र देशों के विमानों ने जर्मन पैंजर डिवीजन पर गोलीबारी की। इसके अलावा सबसे अच्छे अमेरिकी हथियार और गोला बारूद मित्र देशों की सेनाओं के लिए पहले से ही उपलब्ध थे। ये अमेरिका के नए शर्मन और ली टैंक के आगमन के साथ था कि मित्र राष्ट्रों के पास ऐसे टैंक थे जो जर्मन सेना के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। 10 दिन के भयंकर लड़ाई के बाद मित्र देशों की सेना ने जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया। रोमेल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ईंधन की भी आपूर्ति कम हो गई थी। उन्होंने मिश्र और लीबिया को पार किया और ट्यूनेशिया में वापस चले गए, जो एक इतालवी उपनिवेश था। लेकिन सहयोगी सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी।
उसी समय ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बल जो मोरक्को और अल्जीरिया में उतरे ट्यूनिशिया की ओर बढ़ने लगे। ये महसूस करते हुए कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जर्मनी ने 10,000 सैनिकों को ट्यूनिशिया भेजा। रोमेल की योजना वहां से मित्र देशों की सेना पर एक नया हमला शुरू करने की थी, लेकिन कोड ब्रेकिंग की मदद से ब्रिटेन ने भी इस बात को समझ लिया और इंतजार किया। ब्रिटेन ने रोमेल के हमले का कड़ा विरोध किया। पश्चिम से अतिरिक्त बलों के आगमन के साथ रोमेल की सेना को दो ओर से हमलों को रोकना पड़ा। जैसे ही मित्र देशों की सेना ने फिर से गोलाबारी शुरू की, जर्मन इतालवी सेना के पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये महसूस करते हुए कि थोड़ी देर के लिए प्रतिरोध संभव नहीं था, रोमेल ने जर्मनी के लिए उड़ान भरी और हिटलर से अपनी सेना वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन हिटलर इसके लिए तैयार नहीं था। मौत तक लड़ने का आदेश था, लेकिन मित्र देशों की सेना ने उन्हें दक्षिण और पश्चिम से घेर लिया और जर्मन इतालवी सेना के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन लगभग 2.5 लाख सैनिकों ने वहां आत्मसमर्पण किया, जो 4 महीने पहले स्टालिनग्राद में आत्मसमर्पण करने वाले जर्मन सैनिकों की संख्या से दुगना था। ये युद्ध मुसोलिनी के लिए एक बड़ा आघात था, जिन्होंने भूमध्य सागरीय और उत्तर अफ्रीका को जीतकर एक नया रोमन साम्राज्य बनाने की कोशिश की। इटली ने अपनी सेना और उपनिवेश खो दिए और दुनिया को यह साफ हो गया कि वे सिर्फ एक मरे हुए शेर थे। ये सब मुसोलिनी के पतन और बाद में निष्पादन का कारण बना। हिटलर ने सोवियत संघ के साथ युद्ध में अपनी सेना के एक हिस्से को वापस बुलाकर मुसोलिनी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा नहीं किया जा सका और सोवियत संघ से भारी झटका लगा। 1942 के अंत तक धुरी शक्तियों को तीनों मोर्चों पर असफलताओं का सामना करना शुरू हो गया था, लेकिन तब भी पश्चिमी यूरोप पूरी तरह से जर्मन नियंत्रण में था। मित्र देशों की सेना के लिए फ्रांस को मुक्त किए बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। उन्होंने जिस दिन को चुना वो 6 जून 1944 था। अगला वीडियो डी डे और ऑपरेशन ओवरलोड की तैयारी के बारे में है, जिसने इसे संभव बनाया।